हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद लीतू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों में ठंडक का एहसास देने वाली फालूदा रबड़ी कुल्फी, जो आप इजीली घर पर बना पाएंगे अगर आप मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए बनाते हैं फालूदा रबड़ी कुल्फी। तो फालूदा रबड़ी कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 किलो फुल क्रीम दूध। इसको हम डाल लेंगे कढ़ाई में, और ये देखिए मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया है। इसको हम गैस पर रखेंगे और इसको उबाल आने देंगे, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे। ये हमारा दूध जो है अब बॉयल होने लगा है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं यहाँ पर 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। अब मैं डालूँगी यहाँ पर इलायची। इलायची को मैं दरदरा पीस लूँगी और इसका छिलका हटाकर इसके जो बीज हैं उसको पीस कर मैं डालूँगी। और ये मैं पहले ही डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। अब हम इसको पकाकर गाढ़ा कर लेंगे और आप इसको चलाते रहें बीच में। ये देखिए दूध एकदम से गाढ़ा हो गया है पककर। इसमें मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा है और ये हमारा दूध जो है रबड़ी बन गया है, एकदम से तैयार है। आप इसमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी पसंद के, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर इसको प्लेन बना रही हूँ। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए एकदम से ठंडा हो गया है। अब हम ले लेंगे आइसक्रीम मोल्ड, देखिए, और हम इसको अब रबड़ी से भर देंगे अपने मोल्ड को। देखिए मैंने अपने चारों मोल्ड जो है भर लिए हैं। अब इनको हम ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैं इनको कवर कर दूंगी। आप यहाँ पर चाहे तो इसमें स्टिक लगा सकते हैं, आपकी स्टिक कुल्फी भी तैयार हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी फालूदा। फालूदा बनाने के लिए 1 कटोरी ले रही हूँ मैं कॉर्नफ्लावर, और इसमें मैं डालूंगी 2.5 गुना पानी, यानी कि 2.5 कटोरी पानी। 1, ये 2, और आधा कटोरी और। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पहले नीचे थोड़ा सा बैठ जाएगा, पर आप इसे मिक्स करते रहे तो ये मिक्स अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा घोल तैयार है। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी पानी। पानी में मैं डालूँगी बहुत सारी आइस, ताकि जो हमारा पानी है वो बिल्कुल चिल्ड हो। हमें एकदम से चिल्ड वाटर चाहिए ताकि हमारी सेव अच्छे से बनकर निकले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सेव मशीन, और इसमें मैंने सबसे बारीक वाली जाली लगाई है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसको हम ग्रीस करके साइड में रख लेंगे। अब मैं ले रही हूँ 1 फ्राइंग पैन। आप कोई भी कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, और इसको मैं लो फ्लेम पे रखूँगी। मैं इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ। आप गैस पे अगर बना रहे हैं तो इसको लो फ्लेम पे रखिएगा शुरू में। अब हम इसको चलाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इसको आप लगातार चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। अब मैं इसमें यहाँ पर डाल रही हूँ येलो कलर। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको वाइट सेव ही चाहिए तो आप वाइट ही, आप कोई कलर ना डालें तो आपकी प्लेन वाइट सेव तैयार हो जाएगी, यानी कि फालूदा। ये देखिए अब मैं इसको चलाते हुए ऐसे ही रखूँगी। इसको मैं अब मीडियम फ्लेम पर चला रही हूँ। ये देखिए अब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए ये एकदम से जेली की तरह ना हो जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है ये पेस्ट बिल्कुल तैयार है, जब ये बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमें इसे गरम गरम ही सेव बनानी होगी, तो हम एक कपड़ा लेंगे, उसमें अपनी मशीन लपेट लेंगे, और ये जो बैटर है हमारा ये हम इसमें भर लेंगे। देखिए ये प्रोसेस हमें थोड़ा फास्ट करना होता है, क्योंकि एकदम से जम जाता है। तो अब यहाँ पर मैं सेव जो फालूदा है अपना वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए ऐसे मशीन को प्रेस करते जाइए और आपकी सेव जो फालूदा है वो नीचे आइस में आ जाएगा।
ऐसे ही हमें सारे मिक्सचर जो है हमारा पूरा का पूरा उसको हम ऐसे ही फालूदा तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फालूदा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और इसमें डालेंगे फालूदा। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी रोज सिरप। देखिए इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए हमारी जो गुल्फी है वो एकदम से जमकर तैयार है। ये देखिए एकदम से टाइट हो गई है। अब हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे देखिए, और इसको मैं पीसेस में कट कर लूँगी। अब मैं इसको फालूदा के ऊपर डाल दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रोज सिरप और डाल दूँगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।